टुडे इज आवर लास्ट डे इन उडुपी। सो आज हम उडुपी के कुछ स्पेशल प्लेसेस विजिट करने वाले हैं। सबसे पहले हम दर्शन करेंगे उडुपी श्री कृष्णा टेम्पल में, जिसके बिना उडुपी ट्रिप कंप्लीट ही नहीं माना जाता। फिर कुछ डेलीशियस ब्रेकफास्ट एंड डेलीशियस लंच एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद जाएंगे मालपे बीच और आखिर में एक बहुत ही स्पेशल लोकेशन है जो कि है सी वॉक इन उडुपी एंड दैट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो गाइज दिस इज आवर डे थ्री इन उडुपी एंड टुडे इन द मॉर्निंग वी हैव वर्क अप एंड रेडी। अभी हम लोग आए हैं द मोस्ट फेमस उडुपी श्री कृष्णा टेम्पल, तो चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं और हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं उडुपी श्री कृष्णा टेम्पल के एंट्रेंस पॉइंट पे। हम लोग हमारे जो स्कूटी था बाहर पार्क करके यहाँ पे टेम्पल दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे बाइक के लिए उतना कुछ पार्किंग वगैरह नहीं है, बट अगर आप कार लेके आते हैं तो आपको पार्किंग एरिया में पार्क करना पड़ेगा। तो अभी जा रहे हैं, देखते हैं कितना क्या टाइम लगता है। एंड टेम्पल फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस, सो लेट्स सी। तो गाइस अभी हम लोग का दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। अंदर से टेम्पल बहुत पुरानी लग रही है एंड जो मंदिर के अंदर का भी आर्किटेक्चर वो काफ़ी सुंदर है। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे मतलब भगवान जी को आप ऐसे डायरेक्टली नहीं देख सकते, तो कृष्ण भगवान का जो मूर्ति है वहाँ पे उसको एक छोटे से होल के थ्रू इनडायरेक्टली मतलब थोड़े ऑब्स्टेकल्स के साथ देखना होता है। तो ये एक चीज़ मैंने नोटिस किया और साथ में उसके आसपास और भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो हम लोग गए। एंड एक चीज़ मैं बोलूँगा, यहाँ पे आपको अगर आप जो मेल डिवोटीज़ हैं उनको अपर बॉडी का क्लॉथ रिमूव करके जाना पड़ेगा, सो ये एक चीज़ यहाँ पे मैंडेटरी है। एंड उसके बाद दर्शन तो काफ़ी अच्छा गया, वहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं था, अराउंड 1 आवर लगा दर्शन के लिए। सो ओवरऑल इट वॉज़ ए गुड एक्सपीरियंस। तो अभी दर्शन के बाद अभी हमारा प्लान है जाने का एक ब्रेकफास्ट पॉइंट जो यहाँ से पास में ही है, सो लेट्स गो देयर एंड हैव फूड देयर। टेम्पल से 700 मीटर दूर पे अभी हम आए हैं वुडलैंड्स रेस्टोरेंट, जो कि एक टॉप रेटेड वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है यहाँ का। और एम्बियंस इज गुड, बट टॉप रेटेड रेस्टोरेंट होने के वजह से यहाँ पीक टाइम में ना थोड़ा ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पहुँच के हमने ऑर्डर किए मिनी इडली, मैंगलोर बर्न्स, इडली सीरा। मिनी इडली तो मेरे लिए नया था, बट इट इज़ बेसिकली स्मॉलर साइज इडली डिप्ड इन सांभर। टेस्ट ऑफ मैंगलोर बर्न्स वॉज गुड, इडली वॉज एज यूजुअल एंड सीरा वॉज परफेक्टली स्वीट। सो ओवरऑल यहाँ की खाना एंड सर्विस बहुत अच्छा था। अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया, जैसे कि आपने देखे हम लोग बहुत सारे डिशेस ऑर्डर किए थे, सभी डिशेस हमें बहुत अच्छे लगे, स्पेशली वो बटन इडली, मैंगलोर बर्न, सीरा मुझे बहुत टेस्टी लगा। सो डेफिनेटली यू शुड कम हियर एंड ट्राई हियर द ब्रेकफास्ट, इट्स हाईली रिकमेंडेड। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग रूम आ गए थे और थोड़ा रेस्ट कर रहे थे और अभी चेकआउट हो गया हमारा मतलब होटल से एंड वी हैव केप्ट आवर लॉगेज इन द क्लोक रूम। तो अभी की प्लान है, अभी हम जा रहे हैं लंच करने वन ऑफ ए वेरी फेमस रेस्टोरेंट इन उडुपी, दैट इज़ थिम्मप्पा फिश होटल। तो वहाँ पे जा रहे हैं लंच करने, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे सेंट मैरीज आइलैंड, सो लेट्स सी। अभी हम हैं थिम्मप्पा होटल पे। मैंने सुना था कि पिछले कुछ 50 ईयर से ये होटल यहाँ के लोकल लोगों की फेवरेट इटरी रह चुका है बिकॉज ऑफ इट्स ट्रेडिशनल फिश मील्स एंड वैरायटी ऑफ सी फूड एंड अफोर्डेबल प्राइस। एम्बियंस इनसाइड द होटल इज वेरी मिनिमल, बेस्ट थिंग ये कि यहाँ बनाना लीफ में मील सर्व किया जाता है और टेस्ट ऑफ ऑल द फूड आइटम्स विच वी ट्राइड आर रियली गुड एंड प्राइस इज ऑल्सो वेरी रीजनेबल। ये था हमारा कुछ टोटल बिल। अभी हम लोग आ गए हैं मलपे बीच, बीच तो बहुत सुंदर है, यहाँ पे कैफेज वगैरह भी है एक दो, तो बीच अच्छा है। बट एक प्रॉब्लम ये है कि अभी अंदर जाना अलाउड नहीं है, मतलब पानी में जाने के लिए अलाउड नहीं है यहाँ पे बिकॉज ऑफ द सेफ्टी रीजन्स। अभी मानसून के टाइम ये अलाउ नहीं करते, सो अभी बाहर से देख रहे हैं।
यहाँ पे एक सी वॉक भी है जो अभी हम लोग और थोड़ी देर और थोड़ा सनसेट होने के बाद जाएंगे वहाँ। सो लेट्स सी हाउ ब्यूटीफुल दिस सी वॉक इज। तो गाइस अभी हम लोग सीवा घूम लिए, एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था वहाँ पे। जो वॉकवे बना हुआ है उसमें आप एकदम सी के क्लोज तक जा सकते हो, बट वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप पत्थर के ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि वो थोड़ा सेफ नहीं होता। बट दी ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ एंजॉइंग सनसेट फ्रॉम हियर इज़ वेरी नाइस। बट एक और चीज़ है कि हम लोग सोचे थे यहाँ से सेंट मैरीज आइलैंड जो फेरी जाता है उससे जाने के लिए, बट अभी मानसून के कारण वो सब बंद है, ना कोई वाटर एक्टिविटीज़ ना फेरी, वो सब कुछ अलाउड नहीं है। सो सेंट मैरीज आइलैंड तो हम लोग अभी जा नहीं पाए, उसके लिए अलग से जिम में, मतलब आई थिंक सेप्टेम्बर 15 के बाद वो लोग ओपन करेंगे जो हम लोग अभी सुनने को मिला। बट मोस्टली विंटर में आप आएंगे तो वो सभी चीज़ आराम से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो ओवरऑल इट वाज़ ए गुड एक्सपीरियंस। यहाँ पे हम लोग बैठ के काफ़ी देर बहुत सारे जो फिशिंग बोट था वो सब जाते हुए देखे, वो भी एक अच्छा लगा, और ऊपर से अच्छे से मेंटेन भी है। सो इट वाज़ ए गुड एक्सपीरियंस हियर। इफ़ यू आर कमिंग टू डूबी डेफिनेटली यू शुड कम हियर एट द सनसेट टाइम टू एंजॉय द मोस्ट। So guys, this is all about our Udupi travel series. Let me know in comments if you have missed any place or any suggestions as well. See you soon in a next video with a new travel series. Till then, bye bye.